सौभाग्यवती रहो। मन्नू दीदी जरा छुको। तू तो ना फुटो फलो। ये क्या कर रही हो प्राची? क्या हुआ प्राची? मन्नू दीदी आप इन दो दीदी के बाद आप छोड़ के चले जाओगे। नहीं नहीं प्राची, तुम सब इंदु से मिल ली? खुश रहो। तुम भी जहां भी जाओगी हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सुनिए, अभी आप इंदु को आशीर्वाद दीजिए। मनु के जाने में थोड़ा समय है। मैंने अभी तक मनु को कुछ बताया नहीं है। ये शुभ समाचार तुम्हें उसे देना। मैं वैनी सर, वैनी सर, ऐसे समाचार तो कन्या को उसकी माँ देती है। और तुम, मनु की माँ तो मुरुपन, मैं दूंगी उसे ये शुभ समाचार।
देखो तो आसुबा कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे। आसुबा भी हमारी झांसी की दासी बनने पर कितने प्रसन्न है। झांसी भेजने में देगा। पकड़ी गई। नहीं, मैं जानती हूँ तू दुखी क्यों है। आप जानती हैं? हाँ, यहाँ तो केवल मैं रोकती थी, लेकिन वहां तुझे ये सब करने नहीं मिलेगा। मालूम है, दासियों को भला कोई ये सब कार्य करने देगा। दासी? हाँ जी सर, वो लोग हमें दंडित करने के लिए ले जा रहे हैं, तो दासी बनाएंगे ही। अरे पगली, ये तुझसे किसने कहा? आज ही सर, हमने स्वयं अपने कानों से सुना। हे देवा, तूने क्या सुना और क्या समझ लिया? अरे बेटा, तू झांसी की महारानी बनने जा रही है। क्या? हाँ, तेरा विवाह झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव से होने जा रहा है। संसार की हर औरत का सपना होता है, लेकिन करोड़ों में से एक का भाग्य इस तरह खिलखिलाता है। ये दैविक चमत्कार नहीं तो और क्या है कि तेरा सुनहरा भाग्य तुझे ढूंढता हुआ तेरे द्वार पे आ गया है। ऐसी कुचेष्टा करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? इसे हमने माँ दुर्गा को समर्पित किया है। यह हत्या नहीं, बलि है।
घोड़ा तैयार किए बिना हमारे सामने लाने का साहस कैसे किया तुमने? इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे देवा, देखो तो, एक रात में तेरी दुनिया बदल गई है और तू खड़े खड़े मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई कथा सुना रही हूँ। अरे मनु, जाग बेटा जाग, अब तू कोई साधारण कन्या नहीं है, अब तू बुंदेलखंड की होने वाली महारानी है, झांसी की रानी।